हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं क्या है। अभी उनकी जो मुझे एनर्जीज है ना, वो बहुत अच्छी, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी में तो वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टर्बिंग हुआ है या सिचुएशन उतने अच्छे नहीं है। वो थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन में वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उन्हें इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए। वो अभी तक जो भी हुआ है वो टाइम ले रहे हैं, और अभी तक जो कुछ भी हुआ है उस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, फिर कैसे, कहाँ से कहाँ गया, और अभी क्या सिचुएशन है रिश्ते की। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें, देखिए मैं ना बहुत मीठी मीठी रीडिंग नहीं करती हूँ, भले जो मुझे ट्रुथ दिखता है कार्ड्स में मैं वही बोलती हूँ कि मैं अच्छा अच्छा बोलूंगी, तो मैं ये नहीं करती हूँ। देखिए मे भी हो सकता है इतने सबसे मेरी रीडिंग जो है कनेक्ट ना हो या इतना पसंद ना आए लोगों को, बट मैं मेरे काम के साथ ऑनेस्ट हूँ। मैं ऑनेस्टी से ही काम कर सकती हूँ, मतलब अच्छी रीडिंग बना के दूँ और फिर सबको पसंद आए तो इस तरीके का। मैं जब अच्छी रीडिंग आएगी तो आनी होगी तो वो आ जाएगी, और अभी जो मुझे एनर्जीज दिख रही है मैं वही रीड करूंगी। तो आपके जो पर्सन है वो अभी बैठ के और सोच रहे हैं कि अभी तक अपना टाइम ले रहे हैं, वो बहुत गैदरिंग नहीं कर रहे हैं, लोगों से बहुत ज्यादा मिल नहीं रहे हैं, जुल नहीं रहे हैं। वो एनालिसिस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप का कि अभी तक इस रिश्ते में क्या क्या हुआ, जो ये रिलेशनशिप था वो कैसा गया, क्या क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, और बहुत डाउन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी हार्ट से वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि वो किसी और रिलेशनशिप में चले गए, बट उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रिलेशनशिप यहीं तक का था। हालांकि ऐसा है नहीं, ये रिलेशनशिप आगे जाएगा। मुझे जो एनर्जी फील हो रही है कि रिलेशनशिप वापस स्टार्ट होगा, बट वो अभी उनका करेंटली माइंडसेट ऐसा है कि बस ऐसा होता है ना कि जब आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो बहुत टाइम तक, और फिर आप वो एग्जाम देते हो और फिर आपको ऐसा फील होता है कि आपका वो एग्जाम अच्छा नहीं गया, आपका रिजल्ट नहीं आया रहता, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो एग्जाम जो था ना वो अच्छा नहीं गया। तो उस टाइम की जो फीलिंग रहती है, उस टाइम उस वक्त की जो फीलिंग रहती है, कुछ उस तरीके की आपके पर्सन की फीलिंग है। वो उन्होंने खुद को बंद कर रखा है कमरे में, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना और ये सब चीजें वो नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें नहीं इच्छा हो रही है करने की। चलिए इन कार्ड्स को क्लियरिफाई करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम जो है वो रिपीट करिए ताकि एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो। और हाँ, एक चीज मैं भूल गई थी, नंबर्स बताना है, मैं भूल गई थी। तो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1 एंड नंबर 5 आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल हो सकता है। और ये जो नंबर है ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एयर साइन है, ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं, बट जो स्पेशली दिख रहा है वो है एयर साइन। एयर साइन कौन सा है, मतलब अर्थ साइन है, एयर साइन है, एयर साइन है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंटली दिख रहा है वो है एक्वेरियस राशि, और इसके साथ फायर एनर्जी भी है, यहाँ पे फायर साइन भी है, मीन्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। तो ये सारी जो जोडियक साइन है वो दिख रही है। स्पेशली यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस जोडियक साइन। चलिए इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके, आपके जो पार्टनर हैं बहुत डाउन एनर्जी में हैं, वो खुद बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी में नहीं है, एक बहुत ही अच्छी और सेलिब्रेटिंग एनर्जी में नहीं है, बट वो सिचुएशन में बैलेंस वो एनालिसिस कर रहे हैं जिस तरीके से मैंने बताया है। वो लेके पेपर और कॉपी बैठे हुए हैं और वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे सही हुआ, कहाँ पे गलत हुआ, कहाँ पे होना चाहिए था, कहाँ पे नहीं होना चाहिए था, क्या कमी उनकी तरफ से थी, क्या कमी आपकी तरफ से थी। तो कुछ इस तरीके की जो है ना वो एनालिसिस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा जो ये लग रहा है ना कि हाँ अभी ये सब खत्म है, सिचुएशन खत्म है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं बात कर लूं, मैं क्या एक्शन ले लूं कि ये जो सिचुएशन, जो ये एंडिंग होने जा रही है, जो ये एक पेनफुल एंडिंग होगी, ये ना हो के और सिचुएशन पॉजिटिविटी की तरफ चली जाए, इसके लिए मैं क्या कर लूं। तो ऐसा वो सोच रहे हैं और क्या एक्शन ले लूं, वो उस एक्शन के बारे में, उस एक्शन को लेने के लिए काम कर रहे हैं।
और थोड़ा सा मुझे वो करियर, मुझे यहाँ पे मनी और फाइनेंस भी जो है वो एक इश्यू दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, तो वो उस पर भी फोकस कर रहे हैं, पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं। कुछ एक प्रैक्टिकल ऑफर भी वो आपको दे सकते हैं, या वो ना कुछ इस तरीके के कोई बहाना बना के, जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप दोनों फाइनेंस शेयर करते हो या कुछ भी आप दोनों के बीच में ऐसा है, तो वो फाइनेंस को के बहाने से आपको कॉल कर सकते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बट वो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कि उन्हें कोई इमोशनल बात नहीं करनी है, या उन्हें आपसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वो तो जस्ट काम के सिलसिले से आपसे बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर जो पैसा है ये प्रॉब्लम बना हुआ है आप लोगों के बीच में, तो ना वो मे भी हो सकता है कि ऐसा है कि फाइनेंस से रिलेटेड पैसों को लेके कोई बात हुई हो, जिस वजह से झगड़ा हुआ है स्टेटस और इन सब चीजों को लेके, तो वो उसको और अच्छा बनाने के लिए अपने करियर पे काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ, क्या है आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को बताइए कि जो उनकी लव लाइफ में चल रहा है उस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आप दोनों के बीच में ऐसे लोग हैं जो कंबाइंड हैं, जो इन्वॉल्व हैं, आपको आपके और आपके पार्टनर से मतलब बराबर कम्युनिकेशन उनके होते हैं, और आप उन पे प्रॉपरली ट्रस्ट भी कर सकते हो, जो आपके लिए फेथफुल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, उन लोगों से आप हेल्प के लिए बोलिए, वो आपकी मदद करेंगे इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। इसके अलावा एक मैसेज मुझे और चाहिए एंजल, मुझे एक मैसेज और दीजिए। लेट गो। ओके, देखिए अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत बड़ी, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, कोई छोटी छोटी बातें हैं जो कि नॉर्मली हर रिलेशनशिप में हो जाती हैं, नॉट ओनली इन लव रिलेशनशिप, सभी रिलेशनशिप में जो चीजें हो जाती हैं, अगर कुछ ऐसी बातें या कोई ऐसी छोटी मोटी बातों को आप होल्ड करके बैठे हो और जिस वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी बातों को आप लेट गो करो। या ऐसी कोई सी भी बात है जो कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने होल्ड किया हुआ है, बार बार उसी एक टॉपिक पे झगड़ा हो रहा है, सिचुएशन खराब हो रही है, तो उस टॉपिक को आप लेट गो करो, वहां से आगे बढ़ो। और एंजल्स आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रही हैं। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, नियर फ्यूचर में क्या होगा, नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, ये रिलेशनशिप किधर जाएगा, नेक्स्ट क्या होगा, नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या होगा, एंजल्स मुझे बताएं। ओके, सिचुएशन जो है ना मुझे वो इम्प्रूव होती हुई दिख रही है आगे। आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें रियलाइज होगा कि उन्हें गिल्ट फील होगा कि क्या गलत हो गया है, क्या गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए। और जब उन्हें ये रियलाइज होगा, उन्हें उनकी मिस्टेक्स रियलाइज होंगी ना, तो वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील करेंगे, वो बहुत गिल्ट फील होगा। देखिए कितनी मतलब इस तरीके की एनर्जी में वो दिख रहे हैं, उन्हें महसूस होगा, उन्हें फील होगा कि उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने लॉस्ट किया है इस रिलेशनशिप के रूप में। और इसके अलावा जो गॉडेस ऑफ लव है, जो देवी है, वो आपके इसको, आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और आपका जो ब्लेसिंग मिल सकती है, आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्लेस होगा और चीजें पॉजिटिव होंगी। एक चीज और मुझे जो दिख रही है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, या आप दोनों के बीच में अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी कि अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो आपके पार्टनर उसको सुनते ही नहीं थे, वो उसे सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं सुनते थे, रिप्लाई करने के लिए सुनते थे, या अगर आप ऐसा करते थे कि आप अपने पार्टनर की बातों को सिर्फ रिप्लाई करने के लिए, जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते थे, तो ये सिचुएशन में मुझे इंप्रूवमेंट दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे को सुनना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे और अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे, अंडरस्टैंड करने के लिए सुनोगे, रिप्लाई करने के लिए नहीं, मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, ये वाली सिचुएशन जो है ना वो चेंज होगी और एक पॉजिटिविटी की तरफ रिलेशनशिप जाएगा। इसके साथ अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है, जो ये सिचुएशन आपकी बनी हुई है, ये रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर जाओ और आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाओ, तो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। ओके, अब मैं मेरे हैंड रिटन मैसेजेस कुछ आपके लिए निकालूंगी। ये इंतजार सॉन्ग है जो एक पाप मूवी का, आप ये सॉन्ग सुनिए, इस सॉन्ग में आपके लिए कुछ मैसेज है, आप ये सॉन्ग जरूर सुनिए। इसके अलावा सारे सपने पूरा करूंगा, देखिए ये रीडिंग में भी आई थी ये बात कि पैसों को लेके और फ्यूचर के लेके जो भी करियर को लेके जो भी इनसिक्योरिटी थी या जो भी एक ये इशू बन रहा था, तो वो उसके लिए काम कर रहे हैं और ये आपको बोल भी रहे हैं कि
सारे सपने पूरे करेंगे। माई बेबी बी लिटिल चिल पिल, वो बोल रहे हैं। तो आप बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए चीजों को, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत करिए, बहुत ज्यादा खींचिए मत, थोड़ा सा फ्री छोड़िए, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में रहिए। प्यार से भरोसा उठ गया है, तो देखिए ये रीडिंग में भी ये बात निकल के आई थी कि वो इस तरीके की एनर्जी में उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी तक इतना इन्वेस्ट किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन इसका कोई रिटर्न नहीं मिला, तो थोड़ा सा वो प्यार से उनको ऐसा लग रहा है कि भरोसा उठ गया है। तुम तो मुझे समझते हो ना, तो वो ये बोल रहे हैं कि देखिए उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझते हो, और जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है जैसी भी है, तो वो क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझते हो, और अभी भले नहीं लेकिन आगे आप वो चीज अंडरस्टैंड करोगे। मैसेज है, हैप्पी बर्थडे, यू आर स्टार टुडे, सो रॉक आउट, शाइन ऑन एंड एंजॉय योर मोमेंट इन द स्पॉटलाइट, आई ऑलवेज बी योर बिगेस्ट फैन। तो अगर आपका बर्थडे था और उन्होंने आपको विश नहीं किया था, तो ये उनका मैसेज है आपके लिए, और आपको वो एक स्टार की तरह देखते हैं और वो खुद को आपका फैन समझते हैं। बेबी यू हैव नो राइट टू लीव मी एवर, आई रिपीट नेवर। तो वो बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उन्हें छोड़ना मत। लव इज लाइक अ पीस ऑफ वर्क, इवन द स्मॉलेस्ट बिट कैन बी सो ब्यूटिफुल। तो ये उनके मैसेजेस थे। तो मैं कुछ इनिशियल्स निकालूंगी कि आपको थोड़ी सी और ज्यादा अश्योरिटी हो और कनेक्ट हो कि रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। ये आपके पार्टनर का जो नाम है ना, वो यू से शुरू हो सकता है, ये जेड जेड भी हो सकता है। 6 नंबर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। एफ एफ वर्ड आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। ई से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। बस एक और निकालूंगी मैं, और वो है एम। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज मुझे कमेंट पे बताइए। मतलब इस रीडिंग को देख के आपको जो भी फील होता हो कि क्वालिटी कैसी है वीडियोस की, अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी आपका फीडबैक है प्लीज मुझे कमेंट पे लिख के दीजिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहिए और आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करते हो, मेरी रीडिंग से कनेक्ट करते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट पे लिख के बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।